अल नसर का मैच रिसेंटली अभी अल फतेह से था, और इस मैच के अंदर रोनाल्डो ने जो खेला है ना भाई, और जो उसने हरकतें की हैं, जो असिस्ट दिया है और जो गोल मारे भाई, 38 के अंदर मैं मान जाऊंगा अगर कोई ऐसी हरकत कर सकता है। ये बंदा ना बहुत ही ऊपर चल रहा है भाई, हमसे तो बहुत ही ऊपर चल रहा है। ये डेडिकेटेड है, इसकी डेडिकेशन की दाद देनी पड़ेगी। तो हुआ यूँ कुछ कि अल नसर का मैच स्टार्ट होता है अल फतेह से। तो अल फतेह से मैच स्टार्ट होने के बाद गेम थोड़ी सी देर चलने के बाद 27 मिनट के ऊपर रोनाल्डो ने बैक ही असिस्ट दिया है, वो भी सादियो माने को, और ब्यूटीफुली सादियो माने ने बहुत ही अच्छे से फिनिश किया और अपनी टीम को पहली लीड दिलाई 1-0। और आप ये पास दोबारा देखें रिपीट पे देखें, ये पास क्या ही पास निकाला है भाई। अब दूसरा गोल आता है 37 मिनट के अंदर, जो रोनाल्डो ने हेडर किया बहुत ही ब्यूटीफुली, अंदर बॉल खिलाई गई टीम मेट्स के साथ अल नसर ने, और बहुत ही प्यारी तरीके से रोनाल्डो ने इन करी। तीसरा गोल 52 मिनट के अंदर पड़ा, जो गरीब ने बहुत ही ब्यूटीफुल असिस्ट निकाला है रोनाल्डो को, और रोनाल्डो ने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको स्कोर किया है, स्ट्राइक किया है, क्या ही बात है भाई इस बंदे। तीसरा गोल रोनाल्डो ने फिर मारा तीसरा, भाई क्या बात है इस बंदे की, ये बंदा ना हर चीज़ मतलब छा रहा है, हर जगह छा रहा है ये बंदा। चौथे गोल के ऊपर आते हैं, चौथा गोल मारा है सादियो माने ने हेडर, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से अल नसर ने प्ले किया, और उसके बाद अल नसर ने सादियो माने को एक हेडर दिया, प्रोवाइड किया, और उन्होंने ये स्कोर को छोड़ा नहीं, अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं और स्कोर कर दिया। भाई ये डुओ ना, मुझे लग रहा है कि ये डुओ बहुत ही फाड़ू होने वाला है आगे जा के, अल नसर का सबसे बेस्ट डुओ साबित होने वाला है ये। तो आपका ये मैच देख के क्या रिस्पॉन्स था कि रोनाल्डो ने कैसा खेला आपके हिसाब से, क्योंकि उनकी जो उम्र है उस उम्र के अंदर कुछ लोग ही ऐसा खेलते हैं, बट कुछ लोग क्या, मैं तो इसी को देख रहा हूँ सिर्फ खेलते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।